हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने मेंसुरेशन चैप्टर की ओर। और मेंसुरेशन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं पैरेललोग्राम, मतलब समांतर चतुर्भुज। ठीक है, देखते हैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज वगैरह। समांतर चतुर्भुज, ठीक है, इसमें खास बात यह है कि इसकी चारों साइड, मतलब अपोजिट साइड, क्या होती हैं? इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। अपोजिट साइड जो होती हैं आमने सामने की भुजा, वो इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट, यहाँ पर जो अपोजिट एंगल होते हैं, अपोजिट एंगल, वो भी हमारे कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया, ए बी सी एंड डी। ठीक है, इस पैरेललोग्राम में ये वाली साइड इसके बराबर होगी और ये वाली साइड इसके बराबर होगी। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ए डी इक्वल टू होता है बी सी के। ठीक है, या फिर ए डी पैरेलल टू, ए डी पैरेलल होती है किसके? बी सी के। एंड यहीं पे हम लिख सकते हैं, ए डी बराबर भी है किसके? बी सी के। ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं, ए बी पैरेलल है किसके? डी सी के। एंड यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ए बी बराबर होती है किसके? डी सी के। ये दोनों भुजा आपस में समान भी हैं, ठीक है, और पैरेलल भी हैं। यहाँ पर ये दोनों भुजा समान है और पैरेलल भी हैं। ठीक है, एक बात याद रखना, चारों कोणों का योग कितना होता है इसके? चारों कोणों का योग, फोर एंगल का सम कितना होगा? 360 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी एंगल प्लस डी इक्वल टू कितना होगा? 360 डिग्री होगा। ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट ये कि अपोजिट एंगल, एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के। ठीक है, एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के और एंगल बी बराबर होगा एंगल डी के। एंगल बी बराबर होगा एंगल डी के। ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट ये कि यहाँ से इन दोनों को, जो पास पास वाले कोण है, उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा दोनों कोणों का। इन दोनों कोणों का कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, 180 डिग्री होता है और सब चारों को मिलाकर कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, फाइनल मैं यहाँ पर एक डायगोनल डालूँ डी वन, एंड ये हो जाएगा मेरा डी टू। ठीक है, तो एक बात याद रखना, यहाँ पे डायगोनल दोनों आपस में बराबर नहीं होते। डी वन इज़ नॉट इक्वल टू डी टू। ठीक है, एंड ये जो है मिड पॉइंट पर काटते हैं, कहाँ पे काटते हैं? जो हमने डायगोनल का डाला है उसको बिल्कुल मिड पॉइंट पर काटेंगे। तो अगर ये पूरी लाइन, अगर पूरा विकर्ण डी टू 10 है तो 5-5 में डिवाइड कर देता, तो ये पॉइंट है ना, ये बिल्कुल मिड पॉइंट पर डिवाइड करता है। ठीक है, कहाँ पे काटता है? मध्य बिंदु पर काटता है। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ और, ये मेरी है एल, ये है बी। अगर ये L है तो ऊपर भी L होगी, ये B है तो ये भी B होगी। हमेशा याद रखना, जो लेंथ होती है पैरेललोग्राम की वो हमेशा बड़ी होती है किससे? ब्रीथ से। जो लेंथ होती है वो हमेशा बड़ी होगी किससे? ब्रीथ से। ठीक है, ये जब हम ऑप्शन से करते हैं तो बहुत हेल्पफुल रहता है, इसकी वजह से आसानी से हम कर पाते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर हम पेरीमीटर की बात करें, परिमाप की, तो क्या हो जाएगा? एक एल, दो एल, 2p। तो मतलब पेरीमीटर, मतलब परिमाप, पेरीमीटर की बात की जाए, परिमाप कितना हो जाता है हमारा?
टू ब्रैकेट में एल प्लस बी। और एरिया की बात की जाए तो एरिया क्या होता है हमारा, एरिया इज इक्वल टू होता है बेस इंटू हाइट, समझ के फटाफट से इस चीज को नोट कीजिएगा, फिर हम चलते हैं आगे की ओर। चलो आगे देखते हैं पैरेललोग्राम में ही। जब हमें साइड और हाइट दे रखी होती है पैरेललोग्राम की, तो उस केस को कैसे हैंडल करेंगे देखते हैं। जैसे कि मुझे गिवन है हाइट मतलब ऊंचाई एंड साइड, ठीक है। तो इस केस में देखेंगे सबसे पहले पैरेललोग्राम बनाते हैं ए बी सी एंड डी, ठीक है। ए बी सी डी मैंने नाम दे दी। अब यहाँ पर ये है मेरी एल, ये है मेरी बी, ठीक है। यहाँ से मैंने एच वन डाली, अभी के लिए बस मेरे पास एल है और एच वन है, इस बी को भूल जाए। हमारे पास ये दोनों गिवन है, बेस दे रखा है और हाइट दे रखी है। तो हम यहाँ पे एरिया इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एरिया इक्वल टू हो जाएगा बेस इंटू हाइट, बेस कितना है मेरा एल इंटू हाइट कितनी है एच वन। अगर यही हाइट इधर ना देकर इधर दे दे, ये क्या है मेरी एच टू, और फिर ये क्या हो जाएगा मेरा बी। तो यहाँ से भी हम एरिया निकाल सकते हैं लेकिन बेस ये लेना होगा। तो इक्वल टू हो जाएगा बी इंटू हाइट एच टू, ठीक है। तो यहाँ से आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आसानी से। और सेकंड पॉइंट, कभी कभी क्वेश्चन में तीन चीज़ें हमें दे रखी होती है, चौथी हमसे पूछ ली जाती है, ठीक है। ये दोनों दे रखा होगा, ये पूछ ले या फिर हो सकता है ये पूछ ले, लेकिन तीन चीज़ें आपको गिविन होंगी, बाकी फोर्थ नंबर की आपसे पूछ लेगा। फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके नेक्स्ट देखते हैं। जब हमें एंगल और एंड साइड गिवन हो, ठीक है, एक कोण दे रखा हो तो हमें साइड पूछी गई है। तो देखो ये है मेरा पैरेललोग्राम ए बी सी एंड डी, एक कोण मैंने मान लिया ये है मेरा थीटा, ठीक है। ये मेरी एल है तो ये क्या है मेरी बी है। जब दो साइड्स के बीच का एंगल हमें पता है तो हम सीधे सीधे एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एल इंटू बी इंटू साइन थीटा, ठीक है। फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है इनमें। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो मैं डिटेल में लेकर चलूँगा आप लोगों को, ठीक है। अभी ये पॉइंट आप लोगों को बिल्कुल याद होने चाहिए। जब हमें एक एंगल और डायगनल गिवन हो, ठीक है, एंगल और डायगनल गिवन हो तो उस केस में देखते हैं। जैसे कि हमें दे रखा है ये पैरेललोग्राम, ठीक है, ए बी सी एंड डी, ठीक है। ये है मेरी एल, ये है मेरी बी, ओके। एक यहाँ से डायगनल मुझे दे रखा है डी वन एंड ये दे रखा है डी टू। ये डी वन है, ये डी टू है और ये हमें एंगल दे रखा है थीटा। तो इस केस में हमें एरिया फाइंड आउट करना है तो एरिया इक्वल टू हो जाता है हाफ ऑफ डायगनल वन इंटू डायगनल टू इंटू साइन थीटा, समझ गए। फटाफट से इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। सिंपल है और कुछ नहीं है यहाँ पर, लेकिन आप लोगों को ये सारे पॉइंट पता होने चाहिए। जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तब आपके ये सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डायगनल और साइड्स का रिलेशन क्या होता है उसकी बात करते हैं। जब हमें विकर्ण और साइड के बीच में रिलेशन देखना हो, डायगनल एंड हमें साइड्स गिवन है, या फिर हो सकता है आपसे साइड पूछ ली जाए और डायगनल दे रखे हो दोनों, ठीक है। तो देखते हैं, एक पैरेललोग्राम है मेरे पास, ए बी सी एंड डी, यहाँ से ये है मेरी डी वन और ये है मेरी डी टू। अब यहाँ से अगर मैं इनका रिलेशन देखूँ, ये मेरी एल है, ये बी है, तो हमेशा याद रखना कि डी वन का स्क्वायर प्लस डी टू का स्क्वायर इक्वल टू होता है ट्वाइस ऑफ ए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये रिलेशन याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसमें भी आपको हो सकता है डायगनल पूछ ले, डी वन फाइंड आउट करो, बाकी के तीन आपको दे रखा होगा, तो आप डी वन निकाल सकते हो इस फॉर्मूले की वजह से, ठीक है। नोट कीजिएगा फटाफट। चलो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर एरिया किस किस फॉर्म में डिवाइड होता है वो देखते हैं, ठीक है। एरिया डिवाइड देखते हैं, मतलब ये पहला पैरेललोग्राम मेरे पास ये है और यहाँ पर मैंने बनाया ए बी सी एंड डी, यहाँ से डी वन ये डाल दिया। तो याद रखना जो इन दोनों का एरिया होगा वो इक्वल होगा, मतलब पूरे पैरेललोग्राम का एरिया अगर दो है तो आधा आधा, या फिर एक है तो क्या हो जाएगा आधा आधा हो जाएगा, दस है तो क्या हो जाएगा फाइव फाइव हो जाएगा, ठीक है। पहली कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, अगर दोनों डायगनल हमें गिविन है ठीक है, ए बी सी एंड डी, एक विकल्प डी वन एंड यहाँ से गया डी टू, तो ये है मेरा डी वन और ये है मेरा डी टू। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में इक्वल चार पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, मतलब ये वन बाई फोर वन बाई फोर वन बाई फोर वन बाई फोर। अगर पूरे का एरिया अगर 20 है तो क्या होगा, पाँच ही हो जाएगा, पाँच ही पाँच ही पाँच ही, मतलब इक्वल डिवाइड करता है ठीक है दोनों डायगनल इनको। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर वन बाई फोर्थ पार्ट है, 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 ठीक है। अगर इसी के अंदर में एक ट्रायंगल बना दूं, जैसे ये मेरे पास पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, किसी भी भुजा को अगर मैं बेस मानकर एक त्रिभुज बना दूं, चाहे वो यहाँ से यूं हो ठीक है, तो हमेशा याद रखना इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया अगर 10 है ठीक है, इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया अगर 10 है तो 10 में से 5 तो ये हो जाएगा और बाकी का जो पार्ट बचा है ये कितना कवर करेगा, 5 कवर करेगा ठीक है। तो इसका मतलब ये है पूरे पैरेललोग्राम के एरिया को किस में डिवाइड करता है, आधा तो ये खुद ले जाता है और आधा इन दोनों बचे हुए पार्ट को ले जाता है ठीक है। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ आधा आधा डिवाइड करता है, वन बाई टू वन बाई टू ठीक है। ये हो सकता है आपको यहाँ से ना देकर थर्ड पॉइंट फोर्थ पॉइंट, हो सकता है कि आप लोगों को इस तरीके से दे रखा हो, उल्टा भी बना सकता है ऊपर वाले को बेस मान के, तब भी हमारी कंडीशन वही होगी ए बी सी डी, यहाँ से इन दोनों का जो एरिया है वो वन बाई टू होगा एंड ये वन बाई टू होगा, हो सकता है इसे बेस मान कर बना दें इस तरीके से, ठीक है, तब भी हमारा क्या होगा, वन बाई टू ये कवर करेगा एंड वन बाई टू ये कवर करेगा ठीक है। तो चाहे किसी को भी भुजा मानकर एक त्रिभुज बना दिया जाए तो उस केस में क्या होगा, आधा आधा डिवाइड करता है, ये फटाफट से नोट कीजिएगा और डिटेल में हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री के अंदर ठीक है। चलो अब देखो, कहीं भी
पैरेललोग्राम के अंदर कोई भी किसी भी जगह पर अगर एक पॉइंट हो, इसे याद रखना लेकिन जरूरी है, ठीक है। जैसे कि मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया, ठीक है, ए बी सी एंड डी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ठीक है। कहीं पर भी मैंने एक पॉइंट मान लिया कि यहाँ पर एक पॉइंट है, कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसी पॉइंट को मिलाया, यहाँ से इस पॉइंट को मिलाया और इस तरीके से इस पॉइंट को मिलाया, इस तरीके से यहाँ से इस पॉइंट को। अब याद रखना जो ए वन है, मैं इसका एरिया ए वन, इसका एरिया ए टू, इसका एरिया ए थ्री, इसका एरिया ए फोर। तो ए वन प्लस ए टू इक्वल टू होते हैं ए थ्री प्लस ए फोर, समझ के याद रखना। इसमें भी आपको पूछ सकता है क्वेश्चन, फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं, अब पढ़ेंगे इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलता हूँ, बाय, टेक केयर।